फ्रेंड्स, अर्जुन रामपाल केस में एक बड़ी खबर आ रही है एनसीबी से। एनसीबी ने ये कह दिया है कि अर्जुन रामपाल का केस अभी फुल्ली ओपन है। क्या है पूरी बात, मैं आप लोगों को बताऊं। अर्जुन रामपाल केस में ये एनसीबी से एक बड़ी खबर आई है कि एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के केस को पूरी तरह अभी ओपन रखा है। फिलहाल अर्जुन रामपाल के घर में लास्ट वीक रेड हुई थी और वहीं से इलीगल ड्रग्स बरामद किए गए थे, जिसके बेसिस पर गैब्रियला और अर्जुन रामपाल से सवाल जवाब किए गए थे। गैब्रियला को 2 दिन एनसीबी बुलाया गया था। वहीं फ्राइडे अर्जुन रामपाल को 7 घंटे के लिए एनसीबी दफ्तर में रहना पड़ा, सवालों का जवाब देना पड़ा। फिलहाल अर्जुन रामपाल का केस फुली ओपन है, ये एनसीबी से खबर आ रही है। सोर्सेज के मुताबिक उनका कहना है कि हमारे पास 6 महीने का टाइम है इस केस के रिगार्डिंग, जो हम कभी भी रजिस्टर या फाइल कर सकते हैं। तो फिलहाल अर्जुन रामपाल ने ये कहा है कि वो फुली कोऑपरेट करेंगे एनसीबी के साथ, और जब भी ज़रूरत होगी एनसीबी बुलाएंगे तो वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे या अवेलेबल रहेंगे। ये खबर आ रही है एनसीबी से। आप लोगों को पता है अर्जुन रामपाल केस में ऑलरेडी एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं गैब्रियल के ब्रदर एगिसियोलस भी अरेस्ट हो चुके हैं। क्षितिज प्रसाद भी अरेस्ट हैं, और क्षितिज प्रसाद के साथ साथ एक नाइजीरियन भी अरेस्ट है, जो कि एनसीबी द्वारा लास्ट वीक किया गया था। तो फिलहाल एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत केस में अर्जुन रामपाल से पूछताछ कर रही है। अर्जुन रामपाल ने कह दिया है कि एनसीबी के साथ मैं फुल्ली कोऑपरेट करूंगा और जब भी एनसीबी को ज़रूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल रहूंगा। तो फिलहाल एनसीबी से बड़ी खबर कि केस ओपन है, 6 मंथ्स में हम कभी भी फाइल कर सकते हैं और अर्जुन रामपाल की अवेलेबिलिटी जब भी होगी वो अवेलेबल रहेंगे। फिलहाल एनसीबी से इतना ही।